मित्रों कुछ दिन से एक मैं एक चीज नोट कर रहा था कि कुछ लोग जो फैजाबाद के प्रकरण को नहीं नहीं मानते या नहीं मानना चाहते, एक तरह से कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं और ये कंफ्यूजन उन लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा शायद असर करने वाली है जिन लोगों को पूरे इस पूरे केस के बारे में नॉलेज नहीं है। वो ये कंफ्यूजन ये क्रिएट की जा रही है कि आपका एक 1960 के दशक में एक शौलमारी साधु नाम का एपिसोड हुआ था कि कूच बिहार जो इलाका है आपका बंगाल का, वहाँ पे एक शौलमारी नाम की जगह जहाँ पे एक साधु महात्मा आए थे, तो उनको लगकर बहुत बवाल मचा था कि साहब वो तो नहीं जाती सुभाष चंद्र बोस है, और काफ़ी लोगों ने उनका प्रचार किया था और ये बात बहुत ज़बरदस्त उस जमाने में उछली थी और पार्लियामेंट तक उठी थी और पहला उस पर जहाँ तक मुझे याद है कि 1963 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद उसके बारे में सवाल पूछा और बाद के भी वर्षों के अंदर इस बात को लेकर बहुत सवाल उठते रहे। एक समय आया कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी उस पर जवाब दिया जो प्रधानमंत्री के तौर पर देश में उसके ऊपर लेकर के, तो ये मुद्दा लोग और ये ऑफकोर्स वो आदमी सुभाष बोस नहीं था और एक ओवरऑल करते करते ये कहानी डेवलप हुई है कि ये जो इंसान था वो बेसिकली कोई नकली आदमी वहाँ प्लांट किया गया इम्पोस्टर था। तो लोग इसको कुछ लोग जिनको केस की समझ नहीं है वो इस प्रकरण को गुमनामी बाबा प्रकरण से जोड़ के देख रहे हैं और ये समझते हैं कि जैसे शौलमारी साधु एक नकली कहानी थी वैसे गुमनामी बाबा भी एक नकली कहानी होंगी। और तो इसी तरह से इस तरह का मतलब एक रूपरेखा सी तैयार की जा रही है। मैं उस पर आपको एक हल्का सा एक आउटलाइन आपको देना चाहता हूँ कि वो इंग्लिश में कहावत है कि चौक और चीज को मत मिलाइए, आपको बताता हूँ कि असली कहानी क्या है। देखिए ऐसा क्या कि पहली बात तो ये कि शौलमारी साधु एपिसोड क्या थी, 1959 और 60 में पहली बार इस आदमी का नाम पहली बार आया, जैसा कि आपको बताया कि कूच बिहार में ये आदमी कहीं सट पता नहीं कहीं से एकदम सोट करके आ गया और उसके बाद एक के बाद एक वहाँ के लोगों ने जो उसके उसने एक आश्रम बनाया था शौलमारी आश्रम, उसके लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। बाद में करते करते कुछ ऐसे लोग जिनका किसी समय पर सुभाष बोस के साथ में साथ रहा उन्होंने इस बात को प्रचारित करना शुरू कर दिया और उसमें से एक मशहूर आदमी थे उत्तम चंद मल्होत्रा जी, जो जब नेताजी यहाँ से भागे थे 1947 में देश से और जब गए थे वो रूस से होते हुए आपके जर्मनी में और वहाँ से उन्होंने अपने जो कारनामे करने शुरू किए थे, तो उनको मदद करने वाला काबुल में उस इलाके में एक उत्तम चंद मल्होत्रा नाम का व्यक्ति भी था। तो उसी उत्तम चंद मल्होत्रा जी ने आकर के बाद में ये स्टेटमेंट दी कि साहब वही सुभाष चंद्र बोस हैं जो शौलमारी साधु वहाँ पे बैठे हुए हैं। बाकी लोग भी थे, हीरालाल दीक्षित भी थे और कुछ लोग जो मैंने कहा ना कि मेजर सत्य गुप्ता वगैरह जो और लोग जिनका नेताजी से किसने टाइम पे संबंध रहा उन्होंने इस बात को प्रचारित किया और इस पूरे देश में बवाल मच गया। अब पहला बात उसमें जो मोटी मोटी मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए पहली बात तो ये कि अगर ये बोला जाए, हाँ एक उसमें पहले एक मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो कहानी निकल के आ रही है कि ये कोई नकली आदमी है ये कहाँ से निकल गई। नेताजी के एक भतीजे जो थे वो वहाँ पे आश्रम में गए, बहुत लोग गए, फैमिली के लोग भी गए थे, बाकी लोग भी गए, सुनने में कि शाहनवाज खान भी वहाँ गए थे। तो जब वो वहाँ पे वहाँ गए हैं तो उन्होंने बोला, बाद में उनकी खोजता कमीशन के सामने गवाही होती है और वहाँ उन्होंने बोला कि जब मैं वहाँ पर गया शौलमारी में तो वहाँ मैंने देखा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर भोलानाथ मलिक वहाँ बैठे हुए थे और मैंने और भी दो चार लोग को वहाँ पे देखा, हांडू को देखा। तो ये हांडू और बी एन मलिक ये बहुत ज़बरदस्त उस जमाने में, मलिक साहब तो अफसर आईबी के मेन इंचार्ज थे और हांडू बहुत बड़े अफसर थे, तो उसने बोला कि मैंने लोगों को वहाँ पे देखा और ये लोग तो आश्रम का जो सेक्रेटरी है वो भी गवर्नमेंट का आदमी है। तो ये इस तरह के वहाँ से ये जो कहानी निकल के आती है कि साहब ये तो कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पूरा इशू प्लांट किया था और ये और वो सब है, लेकिन उसमें दो तीन बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहली बात ये कि जब ये बवाल मचता है इस पूरे प्रकरण को लेकर के तो शालमारी साधु के ऑफिसर से ही उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू करी, उसने कहा कि मैं सुभाष चंद्र बोस नहीं हूँ, लोग गलती कर रहे हैं और ये बात को बार बार उन्होंने इस बात को रिपीट की मैं नेताजी नहीं हूँ। तो पहली बात तो ये कि शालमारी साधु ने कभी दावा नहीं है कि मैं सुभाष चंद्र बोस हूँ, बाकी लोगों ने किया था। और उसके बाद में उनकी हैंडराइटिंग उन्होंने मिला के देखने की कोशिश करी तो वो मैच नहीं कर रही थी, तो ये बात भी जमाने में हो गई है। तीसरा, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने भी सरकार स्टेटमेंट दी कि साहब वो आदमी सुभाष चंद्र बोस नहीं है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जब आपको बताया मैंने कि उन्होंने सवाल पूछा पार्लियामेंट हाउस में तो प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने खुद ही बोला कि साहब वो आदमी नेताजी नहीं है, वो खुद ही मना कर रहा है। बी एन मलिक की रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं जहां वो ये लिख रहे हैं कि वो आदमी सुभाष बोस नहीं है। उसके बाद एक सुरेंद्र मोहन घोष थे, एक जमाने में रेवोल्यूशनरी थे लेकिन बाद में कांग्रेस में घुस गए और फिर वो बाद में मंत्री बनने का से एमपी थे वो, तो पंडित नेहरू ने उनको वहाँ भेजा पता लगाने के लिए कि साहब ये आदमी है कौन। तो सुरेंद्र मोहन घोष का उनसे शौलमारी साधु के साथ में आमने सामने बैठ कर बातचीत हुई है एक दो घंटा, वो पूरा का पूरा रिपोर्ट अवेलेबल है उसका। उसने कहा जी मैंने आप क्यों मुझे मिला रहे हैं, मेरी शक्ल उनसे नहीं मिलती है,
मैं तो कोई ब्राह्मण घर का आदमी हूँ, और ऐसा करके उन्होंने बोला कि मैं सुभाष बोस नहीं हूँ, ये बेकार की बात लोग कर रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट को इंक्वायरी करनी चाहिए। तो पहली बात ये, आप गुमनामी बाबा प्रकरण को शौर्मारी साधु से ना मिलें, क्योंकि गुमनामी बाबा केस के अंदर उन्होंने इस बात को लोगों को बोला है कि मैं सुभाष चंद्र बोस हूँ, और जबकि जो गुमनाम जो आपका शौर्मारी साधु है उसने ये बात कभी नहीं बोली, बाकी लोग इस बात को फैला रहे थे। अब क्यों फैला रहे थे, वो अपने आप में कोई ना कुछ गड़बड़बाजी हुई है। तो बेसिकली ये है क्या, मतलब इसको क्या आप सोल्यूशन देते हैं इसका? देखिए मेरा उसमें ये है कि गुमनामी बाबा ने इसके बारे में बातचीत करी है, और उन्होंने ये बोला कि 1959 के आसपास भारत सरकार को मालूम चला कि वो जिंदा हैं, और वो शायद भारत और चाइना के आसपास कहीं ये तिब्बत के इलाके में हैं, एक्टिव हैं कुछ करके, उनको ऐसा मालूम चला। ये उनका गुमनामी बाबा का जो उन्होंने बोला है, ये उससे मैं एक सार निकाल के आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब ये बात हो गई तो उनका जो उस समय मानना था कि वो पंडित नेहरू को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और कम से कम उनके होते होते सरकार से कोई उनका कांटेक्ट नहीं हुआ था, तो वो उनके कांटेक्ट में नहीं आना चाहते थे, और उनको नहीं चाहते थे कि इनको मालूम चले कि मैं जिंदा हूँ और मैं इस इलाके में हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैंने एक पैरेलल ब्लफ करा, मैंने एक अलग से एक मैंने कोई ऐसा तिगड़म लगाया है, और या तो ये शौलमारी साधु की कहानी वो ऑलरेडी थी, या इन्होंने प्लांट करी है। तो उन्होंने पैरेलल ब्लफ उसको बोला, उन्होंने बोला कि मेरे ही द्वारा ये सब काम करा गया था, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि आदमी जितनी सारी आपकी इंटेलिजेंस जितने आपके लोग सारे के सारे शौलमारी पहुंच गए, असली आदमी जो है वहां बैठा हुआ था। तो बेसिकली उनको भटकाने के लिए उन्होंने खुद ही ये चीज को या तो प्लांट किया या उसको उन्होंने मिसयूज किया। तो ये है आपकी शौलमारी साधु की कहानी, उसका कोई नेताजी डायरेक्टली लेना नहीं है। हाँ, लेकिन पूरे प्रकरण का वो हिस्सा है कि नेताजी मिस्ट्री का हिस्सा है, उसका इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने कुछ किताबें देखी हैं, लोगों ने किताबें लिखी हैं, लोग जो है जो अपने आप को नेताजी का रिसर्चर बोलते हैं और कुछ। देखिए अगर आप रिसर्चर हैं तो आपके पास में बताने के लिए डिटेल्स होनी चाहिए। अब मैं देख रहा हूँ कि मैडम पूर्वी रॉय हैं, वो उनकी किताब निकली है नेताजी मिस्ट्री के ऊपर, और वो लेक्चर देती हैं दुनिया भर के। आप एक रन में आपने बोल दिया कि साहब शौलमारी साधु नेताजी नहीं थे, वो तो नौटंकी थी। अरे भैया वो सभी को मालूम है नौटंकी थी, अब उसमें आप उसके लिए आपके रिसर्च होने की जरूरत क्या, आप कुछ एक्स्ट्रा बताएं ना। अगर यही बात है कि साहब वो नेताजी नहीं थे, सभी को पता है नेताजी नहीं थे वो, लेकिन आप एक रिसर्चर के तौर पे कुछ डिटेल में बताएंगे क्या था। तो मैंने आपको अपनी किताब में बताया सब कुछ, मैंने आपको बकायदा रिपोर्टर निकाल निकाल के दिखाई है इंटेलिजेंस की, पुलिस की। इनफैक्ट एक रिपोर्ट में आइडेंटिफाई किया कि इस आदमी का नाम जतिन चक्रवर्ती है, और ये एक पुराने जमाने का कोई रेवोल्यूशनरी है जिसको मार मुड़ के गायब हो गया था किसी पुलिस वाले को। तो पॉइंट है कि हमने तो नाम तक दिया उसके बारे में कि कौन आदमी था वो, और आप जो है बैठ के एक लाइन में रिजेक्ट मत कीजिए, उसको डिटेल दीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इस कहानी में गड़बड़ है कि आफ्टरऑल ये आदमी कौन था जो इतने साल तक इतना ये न्यूज बनाता रहा, और क्यों इसके पीछे लोग पड़े हुए थे। तो कुछ ना कुछ लिंक है, तो लिंक निकल के आ रहा है आपके फैजाबाद से कि भगवान जी ने ये बात बोली, गुमनामी बाबा ने ये बात बोली कि मैंने ही उस आदमी को या तो इस्तेमाल किया या मैंने ही प्लांट किया उसको, ताकि जितने ये इंटेलिजेंस वाले सारे के सारे वहां भाग जाए, मैं जो अपनी सेफ्टी मेरी यहां बनी रहे। और ये जो बोलना, जैसे ये जो कहानी दी जा रही है, जैसे लोगों ने बोला कि साहब ये तो कोई नकली लोगों ने प्लांट किया था नेताजी की स्टोरी, आई बीन अगर मान लिया जाए कि उनकी थ्योरी खलत ठीक है, वो थ्योरी के सपोर्ट में कुछ उनके पास में कोई डेटा नहीं है। जितनी कहानी आपको मैं बता रहा हूँ कोई नहीं बताएगा आपको, किसी के पास डिटेल ही नहीं है, एक लाइन में लिख देंगे साहब ये तो वो आई बी कार्ड निकाल रहे, ऐसा तुम्हारे बोलने से आई बी कार्ड नहीं हो जाएगा यार, कुछ तो कुछ दिखाओ, रिकॉर्ड दिखाओ, मैंने तो रिकॉर्डों की फोटो कॉपी लगाई अपनी किताब के अंदर, ऐसे कैसे आप बोल रहे हैं कि क्या था क्या, कम से कम कुछ ना कुछ आपको सब्सटेंशियल देना पड़ेगा ना पब्लिक को, सिर्फ थ्योरी से ना काम चलेगा इतने बड़े केस में। तो ये बोला जा रहा है कि साहब वो तो नेताजी को तो रूस में मार दिया गया था, तो ये जो उसका वर्जन उनकी कहानी है मैं उसका बता रहा हूँ आपको कि एक नेताजी को तो रूस में मार दिया गया था, और ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने ये स्टोरी प्लांट करी है यहाँ पे। चलो मान ली ये बात आपकी ठीक है, यार कॉमन सेंस की बात लगाइए, शौलमारी साधु का पहला विवरण कहीं आ रहा है तो 60 या 61 के अंदर आ रहा है, ठीक है जी। आप मुझे एक बात बताएं, 1956 में भारत सरकार ने शाहनवाज कमेटी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट 56 में आ गई थी, उस रिपोर्ट में लिखा सुभाष चंद्र बोस की वह प्लेन क्रैश में होगी। उस जमाने में कोई टेलीविजन चैनल नहीं थे, कोई मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, जो सरकार ने कहा वो सारे कॉर्नर में छप गया था। नेताजी की जो डेथ मिस्ट्री थी 56 में खत्म हो चुकी थी, सिवाय कुछ लोगों के छोड़ के हमारे जैसे किसी को उसमें इंटरेस्ट नहीं था, वो केस बिल्कुल खत्म हो चुका था। आप एक बात मुझे बताएं कि सन 60, ये तो 56 में केस खत्म हो चुका है, सन 60 में जब पूरा नेताजी का केस दब चुका है, खत्म हो चुका है, तो गवर्नमेंट के और आईबी में किस लोगों को पागल कुत्ते ने काट खाया था कि साहब मरे हुए किसी को जिंदा कर देंगे। अगर कोई आदमी एक नकली स्टोरी प्लान करता है सन 46 में या 45 में 47 में, जब वो इशू नया नया था ताजा था, तो समझ में आता है। लेकिन सन 60 के अंदर जब सारा इशू खत्म हो चुका था, 56 में शाहनवाज कमेटी रिपोर्ट आने के बाद में इस केस में कुछ नहीं बचा था, लोगों ने स्टोरी खत्म कर दी थी, जब वो केस खत्म हो चुका है, डेड हो चुका है,
तो उसके बाद में क्यों बैठ के कोई आदमी बेकार में गड़े मुर्दे उखाड़ के अपने अपने मथे मार लेगा, तो ये पागलबंदी की बात है। इस तरह की बातें बोली जाती हैं गुमनामी बाबा के बारे में कि गुमनामी बाबा जैसे गवर्नमेंट ने प्लान किए थे। अरे भैया, मेरे गुमनामी बाबा के बारे में लोगों को मालूम चला सन 85 के अंदर। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं। 85 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री देश के थे, उनके पास में 450 सीट थी लोकसभा के अंदर। तो राजीव गांधी गवर्नमेंट को क्या बोला था कि सन 450 सीट के आसपास लेकर के पार्लियामेंट में, और आपने 85 में नेताजी वाले किसको जिंदा कर देंगे? क्या कोई लॉजिक वाली बातें करें आप लोग? तो इसका कोई वो नहीं, अपने आप सब कुछ हुआ है। ये रियलिटी है जो निकल के आई है। आपको बताया कि शौलमारी साधु के पीछे निकलने की कहानी थी कि 59 के आसपास गुमनामी बाबा को मालूम चलता है कि गवर्नमेंट उनको ढूंढ रही है, उनको हिंट लग गया वो जिंदा है। तो उनका ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने ही ये स्टोरी को या तो प्लांट किया है, या उन्होंने एक स्टोरी जो डेवलप हुई थी उसको मिसयूज किया है। उन्होंने बाद में बोला कि अगर आप वहां जाएंगे तो आपको मेरे हाथ के लिखे हुए लेटर वहां मिल जाएंगे आपको, और हिंट दिया कि वो खुद वहां पे गए थे। तो ये पूरा केस है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। हम उम्मीद करते हैं कि जब फ्यूचर में इंटेलिजेंस की फाइलें निकल के आएंगी, कुछ फाइलों का जिक्र मैंने अपनी किताब में किया है पिछली वाली में, आने वाली जो चंद्रचूर की मेरी किताब आने वाली है कनंड्रम सुभाष बोसिस लाइफ आफ्टर डेथ, उसमें हम आपको और विवरण देंगे। लेकिन ये तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, लिख चुका हूं, तो समझ में नहीं आ रहा कि लोग बेकार की बातें क्यों घुमा फिरा के उसी को बोले जा रहे हैं। अरे भैया, शौलमारी साधु को गुमनामी बाबा से मिक्स ना करें, दो अलग अलग चीजें। हाँ, शौलमारी साधु प्रकरण जो है वो नेताजी डेथ मिस्ट्री पूरे उसका हिस्सा है। हम इसको डिस्प्यूट नहीं कर रहे। कोई ना कोई तो कारण है भैया, 10-12 साल तक इशू गर्म रहा, तो उसमें भी हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल मैं चाहता था कि ये कंफ्यूजन जो है क्लियर हो जाए और आप लोग इस बात से बिल्कुल समझ जाएं कि शौलमारी साधु एक अलग कहानी है, गुमनामी बाबा एक अलग कहानी है। शौलमारी साधु ने कोई सबूत नहीं है, ना उनकी हैंडराइटिंग मैच करी, ना उनकी शक्ल मैच करी है। उन्होंने कभी कहा भी नहीं कि मैं सुभाष चंद्र बोस हूं। इस वाले केस में आपकी हैंडराइटिंग मैच कर गई थी, उसमें उनकी शक्ल लोगों ने देखी, उन्होंने कहा वही सुभाष बोस थे, उन्होंने खुद बोला मैं नेताजी हूं। तो एक इकलौता जितनी आपको थ्योरीज हमने मिली है बाबाओं के बारे में, जैसे सीतापुर के बाबा थे, मुझे मैं तो उनसे मिला था दो बार, उनके बारे में लोग संत सम्राट कहते हैं नेताजी है। संत सम्राट ने कभी नहीं बोला कि मैं सुभाष चंद्र बोस हूं, मैं खुद उनसे मिला हूं दो बार। हैंडराइटिंग उनकी सुभाष बोस से मिलना दूर की बात ही, मैंने खुद देखा उनको, उनको उसमें हैंडराइटिंग जब उनको नहीं मिल रही थी, उसमें एक्सपर्ट बताने की जरूरत नहीं आप लोगों को। ऊपर से मैंने उनसे बात की अंग्रेजी में, उनको अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही थी, तो कैसा सुभाष चंद्र बोस है जिसको अंग्रेजी बल्ले नहीं पड़ रही है मेरे जैसे आदमी की। तो ऐसा है ना कि ये सब कंफ्यूज करने के और भटकाने के और वो करने के ये सारे प्रपंच है। तो आप कृपया अपना फोकस रखें गुमनामी बाबा के ऊपर।